डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून को मिली मायूसी से बेशक उनके फैंस और फिल्म की स्टार कास्ट दुखी हो, लेकिन कोई है जो रंगून की असफलता से काफी खुश नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शेखर सुमन की, जिन्होंने कंगना पर इसे लेकर तीखा वार किया है। कंगना की फिल्म रंगून के पिट जाने पर शेखर सुमन ने ट्वीट करते हुए कहा है, एक एक्ट्रेस अपने ऐसे स्टारडम का बोझ लादे चल रही थी जो कि असल में था ही नहीं। अब देखिए ना, वो कितने शर्मनाक तरीके से नाकाम हुई है। शायद इसी को न्याय कहते हैं, शायद उसको अपने किए का फल मिला। मालूम हो कि पिछले साल कंगना के ऋतिक रोशन के अलावा सुमन परिवार से जुड़े मतभेद भी रहे हैं। अध्ययन सुमन ने कंगना पर रिलेशनशिप के दौरान गालियां देने और बदतमीजी करने के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह डाला था कि कंगना एक ड्रग एडिक्ट है। बता दें कि फिल्म ने पहले दिन मात्र 4.75 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की कमाई की है। हालांकि फिल्म प्रोड्यूसर्स के मुताबिक फिल्म ने देश भर में 6.07 करोड़ रुपए की कमाई की है। विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कंगना रनौत, सैफ अली खान और शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की पृष्ठभूमि पर बनी है। मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने वीकेंड पर केवल 18 करोड़ की कमाई ही की।